ऑल द पिस्नेट 2024 एस्पिरेंट, ये वीडियो के अंदर जो मैं इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ अगर आप उसको अधेयर करते हो, फॉलो करते हो, सो डेफिनेटली एग्जाम क्रैक करोगे। बट लाइक एवरी ईयर बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं और दो चार मार्क्स के लिए रह जाता है TSS, मतलब स्टेज वन रह जाता है, स्टेज टू की तो बात ही छोड़ दो साइड, ठीक है। सो ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि सितंबर तक अपने सारे पाप धो लेने हैं। सारे पाप धो लेने का मतलब ये है कि आपके सितंबर तक फर्स्ट 10 मॉक टेस्ट लॉन्च हो जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल 25 मॉक आपके पोर्टल पे आने वाले हैं, 25 मॉक। फर्स्ट 10 मॉक अपन लर्निंग के लिए, अपन गलती करने के लिए लिखेंगे। पूरी पढ़ाई हुई है, थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई है, पार्शली पढ़ाई हुई है, जस्ट स्टार्ट किया है, डजंट मैटर। आप जब भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो, अभी ये वीडियो मैं जून में शूट कर रहा हूँ, ठीक है, एंड जून में वी हैव लॉन्च बैचेस ऑल्सो विद रिगार्ड्स टू फॉर योर टेस्टनेट 2024 एग्जामिनेशन। तो ये नंबर पे कॉल कर लो 8828581455, और अगर आप मुंबई में हो तो दादर बोरीवली वसईयन थाने, सेंट्रल लाइन वेस्टर्न लाइन, यू कैन विजिट आवर सेंटर, ठीक है। सो वी हैव टू राइट फर्स्ट 10 मॉक टेस्ट बाय सितंबर, ठीक है। 30th सितंबर तक अपने को मॉक लिख के खत्म कर लेना है, फर्स्ट 10 मॉक। सो दिस इज व्हाट द कंप्लीट टाइम टेबल फॉर योर मॉक टेस्ट, मॉक 1, 2, 3 अप टिल मॉक 10, वो आ जाएगा आपका 30th सितंबर तक। फर्स्ट मॉक टेस्ट ऑलरेडी लॉन्च हो गया है, प्लीज गो एंड राइट द मॉक, सी व्हाट इज योर स्कोर कमिंग अप। आई एम ओके, आपका 20 मार्क्स आता है, 15 मार्क्स आता है, 25 मार्क्स आता है, 30 मार्क्स आता है, आई एम ओके विद इट, बट लिखना चालू करो। ये जो गलती करनी है वो फर्स्ट 10 मॉक में अपन कर लेंगे, तो ये 10 मॉक अपन क्या कर रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने के लिए, स्पीड पे काम करने के लिए, स्ट्रॉन्ग एंड वीक सेक्शन समझने के लिए, ओवरऑल पेपर को समझने के लिए, फ्लेवर ऑफ द क्वेश्चंस को समझने के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है फर्स्ट 10 मॉक, ठीक है, फिर भी आपके पास 15 मॉक बचेगा। वो जो 15 मॉक है ना, उसमें मुझे चाहिए आपका 11th मॉक से आप हिट करना चालू कर दो 60 प्लस का स्कोर। ये फर्स्ट 10 मॉक में आप जो जो गलती कर रहे हो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड इनिशियल फर्स्ट मॉक में तुक्का मटका नहीं मारोगे तो ज़्यादा अच्छा है, सो दैट जो आपको आता है उस हिसाब से आपने अटेम्प्ट किया है। तुक्का मटका तो एनीवेज लास्ट वाले हम लास्ट में देखेंगे, वो अभी नहीं, ठीक है। तो 11th मॉक से अपना मिनिमम 50 प्लस 60 प्लस जाना चालू हो जाना चाहिए। अपने को पहुंचना किधर है, 70 प्लस। HRM के लिए जा रहे हो तो 70 के आसपास का कट ऑफ जाएगा आपका। उसके बाद एनालिटिक्स के लिए जा रहे हो तो 68 66, ODCL के लिए रफली 64 65, ठीक। एनालिटिक्स और ODCL का कट ऑफ जो है नियर बाई रहता है, ठीक है, 2-3 मार्क्स का ऊपर नीचे आप समझ लो, ठीक है। बाकी MHA MPH अदर कोर्सेज को लेके 60 के आसपास या उसके नीचे भी कट ऑफ जाता है, या 62 के आसपास का कट ऑफ, ठीक है। सो ये रफ कट ऑफ मैं दे रहा हूँ, इसका कंप्लीट वीडियो आई विल मेक। ऑल्सो डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज दिस वीक ऑनवर्ड्स आई एम प्लानिंग टू डू लाइव स्ट्रीमिंग ऑन मैनुअल टेस्ट एंट्रेंस चैनल। ये चैनल का नाम है मैनुअल टेस्ट एंट्रेंस, यहाँ पे मैं लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला हूँ 2024 को लेके। सो डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको किस टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है, सो लाइव स्ट्रीमिंग जो मैं उसी टॉपिक को लेके करूँगा। इट विल बी लाइक अ Q&A सेशन, 1-to-1 डिस्कशन करेंगे, एंड जनरल क्वेश्चन आई विल बी आंसरिंग इन द लाइव सेशन। तो वो यूट्यूब लाइव रहेगा आपका, ठीक है। सो मुझे कमेंट में लिख के वो टॉपिक आपको जो भी लग रहा है प्रॉब्लम है, आई टेक दोज टॉपिक, ठीक है, बट हाँ रिलेवेंट टॉपिक होने चाहिए। सो ये आपका टाइमलाइन है, पूरा 30th दिसंबर तक आपके पूरे 25 मॉक आपके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। ये मॉक वो होंगे जो एट पार टू TISS होगा, और कुछ मॉक थोड़ा टफ भी होंगे टिस्ट से, ठीक है। सो इस मॉक में अगर हम 70 के आसपास हिट कर रहे हैं, मतलब एक्चुअल में अपना सिलेक्शन अच्छा खासा स्कोर आने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। सो दोज हू हैव जॉइन द बैचेस विद अ लाइव क्लास और द क्लासरूम, ये पूरे मॉक टेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ आपको बुक भी कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगी, दिस इज व्हाट द सेट ऑफ 4 बुक्स यू विल बी गेटिंग। आई वॉन्ट ये पूरी बुक के क्वेश्चन कम से कम 2 बार, एक बार तो आपको करना है, पहली बार जब आप करोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, बट दूसरी बार क्या करोगे आप, जब क्वेश्चन सॉल्व आपने सेम क्वेश्चन को सोच रहे हो तो उस क्वेश्चन को अलग तरीके से सोचना, इसमें और भी अलग शॉर्टकट हो सकता था या टाइम बच सकता था, ठीक है। और तीसरी बार जब करोगे तो आप टाइम मैनेजमेंट और स्पीड पे काम करना है। सो आई वॉन्ट मिनिमम 2 टाइम्स मैक्सिमम 3 टाइम्स ये पूरे बुक को ख़त्म करो, मतलब इसके अलावा और कुछ आपको रेफर ही नहीं करना, इंग्लिश के लिए, क्वांट के लिए एंड लॉजिक के लिए। हाँ GK के लिए मैं लूसेंट और मनोरमा रिकमेंड करता हूँ सबको, अपार्ट फ्रॉम द मैनुअल रिसोर्सेज। इतना काम अपने को करना है, तो जो भी पाप है सितंबर तक कर लो, सितंबर तक सारे मॉक अपन लिख करके पढ़ाई वढ़ाई करके ख़त्म करेंगे, मेजर चंक्स यहाँ पे कवर कर लेना है। सो GK तो चालू कर दो जिस दिन मेरा आप वीडियो देख रहे हो, स्टैटिक GK करंट अफेयर्स चालू कर दो, 1 साल तक का करंट अफेयर्स, बाकी स्टैटिक GK भी चालू कर दो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश का न्यूज़पेपर रीडिंग ये चालू कर दो, ये आपके स्टेज 2 में भी काम आएगा, ठीक है।
सो प्लान योर प्रिपरेशन वेदर यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, या तो आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो या तो आपने ग्रेजुएशन हो गया है, फुल फ्लेज में TISS की पढ़ाई कर रहे हो आप, ठीक है, जो भी कैटेगरी में आप आते हो, या तो आप रिपीट कर रहे हो TISNET, तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पहले से पता होगी। सो प्लान योर डे, वीक एंड मंथ फुल फ्लेज में डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करना चालू कर दो, डेफिनेटली विल बी एग्जीक्यूटिव एग्जाम विद द गुड स्कोर, ठीक है। सो एज आई ऑलवेज से 80+ का टारगेट लेके चलो आउट ऑफ 100, चाहे आप मुंबई कैंपस देख रहे हो, गुवाहाटी, तुलजापुर, हैदराबाद, HRM के लिए जा रहे हो, या ODCL के लिए जा रहे हो, या एनालिटिक्स के लिए जा रहे हो, या तो फिर अदर कोर्सेज। इस साल जो 2023 का कट ऑफ गया था वो एनालिटिक्स का ज़्यादा गया था कम्पेयर टू ODCL, ठीक है, ये थोड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। HRM तो ऑलवेज हाईएस्ट रहता है बिकॉज ये फ्लैगशिप कोर्स है उनका। सो गाइस, सो वंस अगेन, सारे पाप आपको धो लेने हैं सेप्टेम्बर तक। पढ़ाई आपने चालू कर दी है, आप मैन्यूअर के बैच 1, बैच 2 या क्लासरूम लाइव क्लास जो भी स्टूडेंट्स हो, अगर आपने चालू कर दिया तो अपने को ये दिमाग में रखना है कि सितंबर तक अपन मेजर चंक्स कवर करेंगे, और 10 मॉक लिख करके इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि यार 11वें मॉक से मैं फोड़ना चालू कर दूंगा। जो भी गलती करना है, इनफैक्ट 10 मॉक में ज़्यादा बोल रहा हूँ, 5-6 मॉक से वो आपको आइडिया आ जाएगा। तो फर्स्ट मतलब 8-9-10 मॉक ले, जो मॉक होंगे वहाँ पे आप ऑलरेडी अच्छा स्कोर करना चालू कर दोगे, प्रोवाइडेड आप GK में अच्छा कर रहे हो कि नहीं, इंग्लिश में अच्छा कर रहे हो कि नहीं, मैथ्स तो आपको पेन घसना ही घसना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस, ये वीडियो शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड लोग को, उनको भी बोलो सितंबर तक अपने को धोना है सारे पाप, ठीक है। एंड बैचेस को लेकर के यू कैन कॉन्टेक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर, ऑनलाइन लाइव क्लास एंड क्लासरूम को लेकर मुंबई बेस अगर आप हो तो, सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।